हरियाणा के हांसी में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इन चोरों को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। यही कारण है कि शहर में आए दिन ये चोर अपनी मनमानी कर रहे हैं। हांसी के भगत सिंह रोड पर स्थित मोबाइल की दुकान को देर रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार चोर 8 लाख के स्मार्टफोन और गले में रखे 15,000 की नकदी पर हाथ साफ कर गए। आज सुबह पता लगा है, रात को जैसे चोरी हो गई उसमें, तो तकरीबन जितने भी एंड्रॉइड फोन थे वो सारे उठा के ले गए हैं और थोड़ा बहुत कैश था वो भी ले गए। सूचना आपको कहाँ से मिली थी इसकी? ये हमारे पड़ोस वाले अंकल आए हैं, जब दुकान खोलने में उन्होंने देख के फिर हमारे को फोन किया। कितने बजे रात रात को आप गए थे? हम 8:30 बजे। तो सुबह सूचना मिली आपको? हाँ जी सुबह। तो कौन कौन से मोबाइल थे जो उठा के ले गए, क्या 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 उठा? सभी कंपनियों के थे, ओप्पो वीवो सैमसंग वगैरह। किस तरह से वारदात को अंजाम दिया, क्या लगता है आपको? ये शटर को तोड़ के जैसे अंदर घुसे हैं उसके बाद। तो आपके कैमरे वगैरह नहीं होते अंदर को? कैमरे तो थे लेकिन एक आधा खराब था कैमरा उन्होंने। आज हमें सुबह 6 बजे की सूचना मिली कि ऐसे ऐसे भगत सिंह रोड पे मोबाइल शॉप पे जो विक्की नाम से है उसमें चोरी हो गई। तो यहाँ पे आके देखा तो करीब ओनर ने बताया कि करीब 40-50 के करीब हमारे मोबाइल थे जो शटर को नीचे से फाड़ के अंदर से चोरी करना मालूम हुआ। तो किस तरह की कार्रवाई अभी तक फिलहाल की गई है? अभी हमने इनसे कंप्लेंट ले गए, FIR रजिस्टर कर दिया है, फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं और डंप उठवाए गए हैं। जल्द ही आरोपों को काबू किया जाएगा। अपने जो भी मार्केट में कैमरे लगे हुए हैं उनको चेक किया जा रहा है, जल्द ही काबू किया जाएगा। दुकानदार ने बताया कि उन्हें सुबह 4 बजे फोन आया कि उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद वो दुकान पर पहुंचे और इस मामले में पुलिस को सूचित किया। दुकानदार ने पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि भगत सिंह रोड के मार्केट में बनी दुकानों को पहले भी चोर अपना निशाना बना चुके हैं और पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में नाकाम ही रही है। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने चोरों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। हांसी से न्यूज के लिए विनोद सैनी की रिपोर्ट।